नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड में कुछ भी ठीक हो नहीं रहा है और इसी बीच बॉलीवुड के मिथुन दा यानी मिथुन चक्रवर्ती की हालत खराब हो चुकी है। अस्पताल के बेड पर बेहोशी की हालत में दिखे अभिनेता बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता को हाल ही में बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस खबर के सामने आते ही मिथुन के प्रशंसक परेशान हो गए हैं। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अभिनेता की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को देख अभिनेता के हेल्थ को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी उड़ानी शुरू कर दी गई हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अभिनेता के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने वायरल हो रही तस्वीर का सच बताया। मिमोह ने बताया कि मिथुन किडनी में स्टोन से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये वायरल तस्वीर अस्पताल की ही है, जिसमें वो बेहोशी की हालत में बेड पर लेटे हुए हैं। हालांकि अब उनकी सेहत हल्की फुल्की ठीक हो चुकी है और वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर आराम भी कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का हेल्थ अपडेट सामने आने के बाद अब उनके लाखों प्रशंसक ने राहत की सांस ली है। सभी अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनुपम हजरा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉलीवुड के डिस्को डांसर की तस्वीरें साझा कर उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी है। अगर मिथुन के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिनेता को हाल ही में द काश्मीर फाइल्स में देखा गया था। विवेक अग्निहोत्री की निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता के अलावा अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली और चिन्मय मंडलेकर भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।